हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज ड्राई, लेकिन ये सब्जी हम हरी प्याज के साथ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे हम कैसे बनाएं। तो ये देखिए, मैंने 250 ग्राम के करीब हरी प्याज ले ली है। हरी प्याज को आप आगे से कट कर लीजिए और अच्छे से पहले वॉश कर लें। और ये मैंने ले लिए हैं हाफ बॉल मटर, एक आलू ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, दो हरी मिर्च, आधा कटोरी धनिया, एक बैंगन और एक टमाटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक फ्रैंक पैन ले लिया है और आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हैं। और गैस ऑन कर लेंगे हम इसमें, और सबसे पहले एक बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। और इसके साथ ही हम दो हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे इसमें। हरी मिर्ची और जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। तो फ्रेंड्स, आलू को आप पहले वॉश कर लें और इसके बाद छील के आप इसे डायरेक्ट कट कर लें। काटने के बाद इसे आप वॉश ना करें। तो हल्का सा इसे 1 मिनट हम भून लेंगे आलू को। और आलू के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने एक बैंगन इसमें ऐड कर लिया है। तो बैंगन को भी फ्रेंड्स आप वॉश करके सीधा कट कर लें, काटने के बाद इसे ना धोएं, या फिर आप डायरेक्ट ही इस पैन में कट कर लें। इसके साथ ही हम इसमें मटर ऐड कर लेंगे। तो हल्का सा मटर को भी हम इन सब्जियों के साथ भून लेंगे। मटर को भी फ्रेंड्स तेल में इस तरह से भूनने से क्या होगा, ये जो मटर का जो कलर है वो एज इट इज रहेगा ग्रीन, और सब्जी दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर लेंगे एक टमाटर। तो देखिए, टमाटर को भी मैंने एकदम मीडियम साइज में कट कर लिया है। तो देखिए, सारी सब्जियों को मैंने हल्का सा भून लिया है पहले, और इसके बाद हम हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हमारा है वो है हरी प्याज, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने इसमें हरी प्याज ली है। तो हरी प्याज के साथ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और थोड़े सूखे मसाले हम ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें हरी प्याज ऐड कर लेंगे। तो 250 ग्राम के करीब मैंने हरी प्याज ली है। तो हरी प्याज आप इसमें ज़्यादा लें और बाकी सभी सब्जियां आप थोड़ी थोड़ी करके ले लें। तो एक बार ये सब्जी आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। और इसे हम थोड़ा मिला लेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और अभी हम सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है सब्जी का। और ये सब्जी फ्रेंड्स दिखने में भी इतनी अच्छी लगती है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए ये सब्जी। आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, और भी आप मन चाहे सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी प्याज आप जरूर ऐड करें इसमें। देखिए, अच्छे से सब्जी को हम मिला लेंगे। और अब इसे कवर कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 3 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। तो फिर हम इसको हल्का सा मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को।
और अभी देखिए आलू भी कच्चा है अभी इसमें, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि जो सब्जी है वो जल्दी पक जाएगी हमारी और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो इस सब्जी को पकने में फ्रेंड्स 12 से 15 मिनट का समय लगेगा और पानी डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसे कवर कर लेंगे। तो बीच बीच में आप हर 3 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लें और आपको लगता है तो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए लगभग 12 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए और ऑलमोस्ट हमारी सब्जी ये बनके तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हम एकदम से लो कर लेंगे। तो देखिए आलू भी सॉफ्ट हो गया है, सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई हैं। और इसमें हम अब ऐड कर लेंगे खूब सारा हरा धनिया, और हरा धनिया को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। और गैस अभी हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिक्स वेज ड्राई सब्जी हमारी बनके तैयार है और इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हरी प्याज के साथ ये मिक्स वेज ड्राई आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। धन्यवाद।